अस्सलाम वालेकुम जी। सो वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों के अंदर। सो व्लॉग देख रहे होंगे मेरे, और कैसे व्लॉग लेके आने चाहिए और मुझे ये बताइएगा। सो अभी जल्दी जल्दी बता दूँ, मैं रेडी तो हूँ। खैर फिलहाल मैं शूज़ पहनने के लिए आया था। घर सीन ये था कि आज पेपर था लास्ट मेरा, उसके बाद मैं चला गया था बैंक से, फिर थोड़ा सा एक काम था, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट घर पर आया हूँ। दोस्त की कॉल आई है कि जल्दी से बाहर आ जाए भाईजान, हम आए हैं आपके लिए सिर्फ कराची से अपनी छुट्टियाँ लेकर। और छुट्टियाँ लेकर कौन आया है? उस बंदे से भी आपसे मिलवाएंगे, और जो एक हमारी शर्मीली दुल्हन है जो फेस नहीं दिखाती अपना अपना कैमरे के अंदर, तो उससे भी मिलवाएंगे। उसके अलावा और एक हमारे एक और दोस्त है जो आर्मी के अंदर भी रह चुके हैं, सो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। बाकी चलते हैं वहाँ पर जल्दी जल्दी, तो वहाँ पर आपसे मिलवाते हैं सारों को, और मेरी ब्लॉग देखिएगा लास्ट में। हाँ जी। सो हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, जहां हम आए हैं, जहां इन्होंने हमें बुलाया था, जहां हमें जाना था। तो हमारे पास हमारे अहमद भाई मौजूद हैं नेवी से। तो अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और सुनाएं, तबीयत से ठीक है आपकी? जी भाई। और मुझे ये बताएं कि आपने इतनी एमरजेंसी में मुझे कॉल की, खैरियत थी? सर हमने आपको दोपहर को भी कॉल की थी, वो आपने अटेंड नहीं की। वो मेरा पेपर था यार सर, आपको पता है। हमारा कसूर नहीं है, हमने उस टाइम आपको कॉल की थी, आपने अटेंड नहीं की, बाद में आप फिर ठीक है लेकर जाना बहुत जरूरी था। ये भी बात ठीक है, मेरे बगैर कुछ इम्पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है सारा। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जाने जाने से दुनिया नहीं रुकती। लेकिन एक यार पॉइंट चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी, मुंह मार दिया यार। एक मजाही आदमी साथ होना चाहिए ताकि शुगर लगा रहे। ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। अल्लाह बख्शे, एक आदमी को था जैसा भी था शुगर लगाई रखता था। आपकी भी बस वही कहानी, आपके जाने के बाद आपको बहुत याद करेंगे, हम भी यही कहेंगे यार जैसा भी था शुगर लगाता था। A few moments later. अहमद भाई, अहमद भाई आप कैसे हैं? ये दूसरा भाई है हमारे, एक अहमद भाई वो नेवी वाले थे, ये आर्मी वाले, आर्मी से पत्नी क्या है? सर कैसे हैं आप? खैरियत से? और तबीयत से ठीक है? इतनी चले ठीक है। बाकी सारी एक साइड के ऊपर मुझे ये बताएं कि आपने भी मुझे इतनी एमरजेंसी में कॉल की, इतनी मोहब्बत हमारे से क्यों? दिल लगी आए हैं, क्या बात करें, दिल जीत लिया भाईजान इस बंदे ने। One hour later. तेरे में नहीं आ रहा। अच्छा जी, हमने अपना ऑर्डर किया था, फाइनल हमारा ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में हमारे पास कुछ विंग्स हैं, कुछ पिज्ज़ाज हैं, अभी हाफ हुआ है, हाफ नहीं आया हमारे पास, तो बाकी खा लें फिर आपसे और मजीद डिस्कशन करते हैं। नाइस। हेलो जी, सो अंदर से फ्री हो गए हम लोग, खाना खा लिया फिलहाल तो हमने, अभी जा रहे फिलहाल तो हम जा रहे हैं गुजार शादी। अहमद क्या है, चलें गुजार शादी? अहमद चलें गुजार शादी? आपका क्या मूड है? ये भी ठीक है, चले। सो बाकी देखते हैं, अगर जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर भी आपसे मिलते हैं, सिचुएशन दिखाते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है, तो वहाँ पर चलते हैं आपसे मिलते हैं। हाँ जी भैया, तो आ गए भाई गुलजार शादी, तो आप बाकी अंदर चलते हैं, यहाँ पर तो खैर लाइट नहीं है, अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको व्यूज़ दिखाते हैं। हाँ जी भैया, सो अंदर आ गए थे, अंदर आकर थोड़ी सी वॉक की है, तो अब फिलहाल बाहर जाने का टाइम आ गया। अब देखें कहीं और जाते हैं या नहीं जाते, या सीधा घर घर चलते हैं, क्योंकि अक्सर पता क्या हुआ था, बात ये थी कि हमारी जो मुलाकात हुई थी तकरीबन जो हमारे नेवी वाले भाई थे उनसे तकरीबन 7 से 8 महीने बाद हुई थी, और जो हमारे आर्मी वाले बुआएँ हैं उनसे तकरीबन साल सवा साल हो गया था, और जो हमारी एक शर्मीली दुल्हन है वो तो हमें डेली मिलते तकरीबन, हमारे एक यूँ समझ लें कि हमारे ये तो अल्लाह ने तोहफा दिया वो हमें, एक तो वो हमारे से डेली मिलती है, तो बाकी आपकी उनके साथ गपशप करवाई है।
सो होप सो आपने देखी होगी वो भी। तो बाकी चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। बाकी आपने गुलजार सादिक भी देख लिया होगा, तो बाकी बाहर चलते हैं, बाहर जाके देखते हैं, घर जाना है या कहीं और चलते हैं। चल चल के सांस चल गया, वॉक कर रहे थे, तो बाकी बाहर चलते हैं, बाहर जाके देखते हैं फिर। हाँ भैया, तो यार अभी इधर आए थे, बच्चों का थोड़ा सा प्लेलैंड बना हुआ और झूले वगैरह भी है इधर। अभी हमारी डिस्कशन, यार मैं इनको ले नहीं सकता, असल में मसला ये है, ऐसे आपको बताया नेवी में है और कुछ एक आर्मी में, वो एक हमारी शर्मिली दुल्हन है हमारी, तो प्लेलैंड में आए वो बस वो कहते तू बैठ, वो कहते तू बैठ, इस बात को हमारी बेल्ट लग रही, शर्टें लग रही, कोई भी नहीं बैठा इन दोनों के, हम चारों में से ना कोई भी बैठा। खैर बचपन की यादें हैं जो बचपन ही गुजारी थी, लेकिन अब क्या आप तो बड़े हो गए। खैर तो 1:37 अच्छा यार, सो मैं यहाँ पर ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ, कहीं मूड नहीं बन रहा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, तो सारों ने अपने अपने घर भी जाना है, तो इस वजह से। सो बाकी एक मिनी ब्लॉग देखने को आपको मिल रहा होगा, सो बट यहाँ पर ब्लॉग की हम एंडिंग करते हैं। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। सो बाकी हम तो घर जा रहे हैं, अपने ब्लॉग होपफुली इन्जॉय किया होगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर किसी अपनेपन के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।